Okay, so good morning. Today we are going to cover hoaxes and spywares. So first is, what are hoaxes? So hoaxes are one type of viral email होगी जिसका जिसकी जो कोशिश रहेगी जो जिनको ये मेल पहुंचेगी राइट right? जो इस मेल के रिसीवर्स होंगे उनको ट्रिक या सम काइंड ऑफ डिफ्रॉड करना उनके साथ, ठीक है। और उसमें मैलिशियस एक्टिविटी भी वो हैकर जो इन हॉक्सिस को भेजते हैं राइट इस तरह की वायरल ईमेल्स को आपको भेजते हैं उनका एक मैलिशियस इंटेंशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि आपको वहाँ पे कुछ एक स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपके कंप्यूटर आपका कंप्यूटर काफ़ी स्लो है, आप इस पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करिए और ये स्टेप दिए होंगे, आप उस स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे, जैसे वो फाइल डिलीट होगी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि दैट वाज अ इम्पोर्टेंट और यू कैन से नेसेसरी फाइल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क, ठीक है। तो इस तरह से वो कुछ फन या फिर अपना कोई और टारगेट वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये इनके पीछे जो है कोशिश रहती है हॉक्सिस के पीछे। सो हॉक्सिस आर नथिंग बट वायरल ईमेल्स विच अटेम्प्ट टू ट्रिक और डिफ्रॉड रिसिपिएंट्स, ठीक है। या फिर उसमें मनी भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। जैसा मैंने आपको मॉर्निंग में भी एक मैसेज फॉरवर्ड किया था राइट, तो देखिएगा उसे। ओके, सो दीज आर हॉक्सिस। हॉक्सिस आर जस्ट वायरल ईमेल जिसका जो इंटेंशन रहेगी डिफ्रॉड करना यूजर्स को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी व्हाट आर सॉरी व्हाट नहीं, यहाँ पे होंगे हाउ होगा यहाँ पे जस्ट। हाउ आर हॉक्सिस अ प्रॉब्लम? हॉक्सिस हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है, ठीक है। तो देखिए इंटरनेट को यूज़ करते हुए जो ये मेल्स आएंगी राइट ये क्विकली प्रोपोगेट होंगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक ने आपको फॉरवर्ड की, आपने आगे फॉरवर्ड कर दी, उसने आगे के फॉरवर्ड की, तो जल्दी से ये प्रोपोगेट होती है, फैल जाती है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बस आपके पास इंटरनेट का वहाँ पर कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऑल दो ये लगती तो है आपको कि यार इस मेल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी हार्मलेस नहीं होगा इसमें, हार्मलेस चीज़ें नहीं हैं राइट, लेकिन ये मेल जो है इसमें कुछ एक मालवेयर हाइड किए हुए भी हो सकते हैं या जो कि मैलिशियस एक्टिविटी करने में काफ़ी स्किल्ड होती हैं, ठीक है, या उनका टारगेट होता है मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करना। तो क्या क्या कर सकते हैं वो आपके सिस्टम को ससेप्टिबल टू मालवेयर कर सकते हैं। ससेप्टिबल क्या हुआ, संवेदनशील, ससेप्टिबल। देखिए हम हमें मालवेयर से बचना है, हमें वायरसेस से बचना है, लेकिन ये हॉक्सिस क्या कर सकती हैं आपके सिस्टम को ससेप्टिबल टू मालवेयर कर सकती हैं, कुछ एक वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं जिससे कि वल्नरेबिलिटी वहाँ पे क्रिएट कर सकती है जिससे कि मालवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए। सेकंड, दे कंज्यूम बैंडविथ और स्पेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 52 आई थिंक 70% ऑफ इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट के ऊपर चल रही है वो सारा का सारा मतलब वो डाटा है, वो इंफॉर्मेशन है जिसकी जरूरत नहीं है हमें, जैसे स्पैम मेल हो गई या कुछ बेकार की मेलें इधर उधर फॉर, जिसकी जरूरत नहीं है हमें, वो जस्ट इस तरह के टारगेट्स के लिए डिज़ाइन की होती है, ठीक है। दे जस्ट कंज्यूम योर बैंडविड्थ, वो बैंडविड्थ यानी कि इंटरनेट का कनेक्शन ही आपका कंज्यूम कर रही हो, या अगर आपने वो आपकी मेमोरी कम है तो वो स्पेस भी ज़्यादा घेर सकती है, ठीक है। जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, वो बड़े लंबी सी चिट्ठी वहाँ पे बनाए होंगे, ठीक है, आप पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे और नीचे एंड में कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम रहता है। स्प्रेड फियर, डर को बढ़ाती है फैलाती है, जैसे आजकल COVID-19 है, ऐसी भी एक मेल आ जाएगी कि ये जी जो COVID-19 का जो सेकंड जो जो लहर आई हुई है राइट वो 5G का जो टेस्टिंग हो रही है उसके कारण हो रहा है, ऐसी इस तरह की मेल चली हुई है आजकल, मेल आ रही हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है कई जगह, ठीक है। इवन आज सुबह मॉर्निंग में रेडियो में भी आ रहा था, सो आई वाज रियली सरप्राइज कि कैसे लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइंटिफिकली इट हैज़ मतलब अभी तक साइंटिफिकली इस तरह का कोई भी प्रूफ नहीं है, ओके। तो जैसे ये डर फैलाने के एंगल से इस तरह की मेल जो है बनाई जाती है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मीन्स आपको सर्टन नहीं है, आपको
विश्वास नहीं कि कल क्या होने वाला है, एक अनिश्चितता जो कहते हैं ना, अनसर्टिनिटी, वो बनाने के लिए, या डाउट या शक पैदा करना हो, तो इस तरह की मेल्स आपको जो आएंगी, दे आर कैटेगराइज इंटू हॉक्सिस, उनको बोलते हैं हॉक्स। पहली बात, हॉक्स होंगी आपकी मेल, वो भी कौन सी, वायरल वाली। ऐसे झूठी खबर फैला देंगे कि एक कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई प्रेसिडेंट है, उसकी डेथ हो गई है, या ऐसा बोल देंगे कि मैं बहुत करीब हूँ, एक फ़ोटो लगाया हुआ है एक बच्चे का, साथ में खुद बैठा हुआ कोई और, ठीक है ये देखिए इसका कैंसर का ऑपरेशन होना है तो काइंडली पैसे दीजिए, अकाउंट नंबर ये है, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। सो हाउ कैन यू टेल इफ द ईमेल इज हॉक्स, आप कैसे बताएंगे कि ईमेल हॉक्स है कि नहीं है। पहली बात, उस मेल में लिखा हुआ हो सकता है कि वो हॉक्स नहीं है। सिंपल सी बात, पहली बात ये होगी ना, देखिए आपने आपको मेल आई हुई है, आपको कैसे पता लगा कि वो हॉक्स है कि नहीं है, उसमें खुद ही झूठ लिखा हुआ है कि मैं हॉक्स नहीं हूँ। इट क्लेम्स इट इज नॉट अ हॉक्स, ये लिखा हुआ हो सकता है, मे बी, ठीक है, सारे पॉइंट्स ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा चेक रखना है चाहिए, इन बातों का आपने चेक रखना है, ओके। सेकेंड, इट डिस्कस सम ट्रेजिक इंसिडेंट दैट हैड नेवर हैपेंड एक्चुअली, एक ऐसी ट्रेजिडी के बारे में लिखा होगा जो कि कभी हुई नहीं है। आपको मेल आ जाएगी, जी चंडीगढ़ में बहुत, वहाँ पे बाढ़ आ गई है, पूरा चंडीगढ़ का पूरा सेक्टर जहाँ आप घूमते थे, हैं बड़ी, आपने वहाँ ट्रेनिंग ट्रूनिंग की थी, वो सारे मतलब कि वहाँ पे सतलुज नदी की बाढ़ आ गई है, ऐसी मेल आ गई, और हम यहाँ बैठेंगे, अच्छा मेल आ गई या ये बाढ़ आ गई, अच्छा पैसे किसको देने हैं, लो भाई पैसे, ठीक है, ये होता टारगेट। थर्ड, इट प्रॉमिसेस मनी, मनी इन्वॉल्व होगा ही होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पैसे के ऊपर ही डिपेंडेंट होगी, या गिफ्ट लिखी होगी कि यहाँ पे क्लिक करिए आपको 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा, ये देखिए ये सुबह मतलब ये फोटो लगाया होगा, इस लड़के या इस लड़की को 1 करोड़ रुपये मिला हुआ आज, ऐसी ऐसी न्यूज़ें होंगी बेकार की। ये देखिए फ्री में कोई किसी को नहीं देने वाला, इस बात को आप गांठ बांध के सुन लीजिए, मेहनत करके ही आपको कमाना होगा, ठीक है। तो ये सारी मतलब कि सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, फिर भी लोग ठके जाते हैं, इस बात का बहुत दुख होता है। सुबह की न्यूज़ देखिए मैंने आपको एक फॉरवर्ड की हुई है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे आप जैसे मान लीजिए खुदा ना खासा आपको ऐसी जरूरत ना पड़े, आप आपके परिवार में किसी को कोविड हो गया है, राइट, तो सांस लेने में तकलीफ आ रही है, फटाफट गूगल में नंबर ढूंढ रहे हैं कि व्हाट इज द टेलीफोन नंबर ऑफ टोल फ्री नंबर ऑफ दिस वन, गूगल में कभी भी टोल फ्री नंबर नहीं ढूंढना है, इस बात को कान खोल के सुन लो, ये इस हैकिंग का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है आज की डेट में, उसमें फेक नंबर्स होते हैं, आप उन पर कॉल करेंगे, आप सोच रहे हैं कि हाँ मैंने तो टोल फ्री नंबर किया, हॉस्पिटल को फ़ोन किया, वो बोलेंगे हाँ थोड़ा सा एडवांस पैसे दे दो, मैं अभी वहाँ पर एम्बुलेंस भेजता हूँ, मैं 40 से बोल रहा हूँ, मैं फलाने से बोल रहा हूँ, मैं फलाने से बोल रहा हूँ, आप पैसे डाल देंगे, वो एम्बुलेंस बस पहुँच गई फिर आपके घर, ठीक है। तो आपने कैसे इसको श्योर करना है, या तो देखिए आपके पास लोकल हॉस्पिटल का नंबर हो, या फिर आप एक जेन्युइन जो उनकी जो ओरिजिनल जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट है वहीं से आपको फ़ोन नंबर मिले, तब तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे फ़ोन नंबर गूगल पे मत ढूंढिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें फंसे हैं। इसमें लिखा होगा, इस मेल में लिखा होगा कि कुछ एक इंस्ट्रक्शन दी होगी, कहा होगा कि आपके सिस्टम में वायरस है जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर लिखा होगा इट इट कंटेन मल्टीपल स्पेलिंग और ग्रामेटिकली एरर्स, उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बहुत सारे ग्रामेटिकली एरर होंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी टाइप की होंगी वो, ठीक है। इट आस्क द रिसिप्टेंट टू फॉरवर्ड द मैसेज, आपको कहा होगा कि इस मैसेज को फॉरवर्ड करिए, जितना जल्दी आप फॉरवर्ड करेंगे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, इट हैज़ ऑलरेडी बीन फॉरवर्डिंग मल्टीपल टाइम्स, ये पहले से ही आपको फॉरवर्डेड मिलेगी मेल। ये हैं कुछ एक सिम्टम्स जो आपको बताएंगे कि आपकी मेल हॉक्स हैं कि नहीं है, इन सिंपल वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पाईवेयर, बिफोर दैट लेट मी टेक योर फीडबैक इन टर्म्स ऑफ वायोरन, प्लीज टाइप वायोरन, ये आपको समझ आया कि नहीं आया, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी अपनी लिख सकते हैं, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग हुई इस टॉपिक की या नहीं, व्हाट आर हॉक्सीज, कैसे फैलते हैं, ठीक है। टाइप वायोरन, यस एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, हॉक्सिस, सो हॉक्सिस इज क्लियर टू आई एम एवरीबॉडी, है ना। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, मतलब इनको ना एक बार पढ़ के जाओ, जनरल नॉलेज की तरह पढ़ते जाओ, और पेपर में आएगा तो वैसे ही लिख दो, ठीक
है, एक की जो एक चीज से बचने के लिए जो आप प्रिकॉशन ले रहे हैं वो दूसरे में भी लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। ओके नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट इज स्पाईवेयर। ये थोड़ा डेंजरस है। देखिए स्पाईवेयर क्या होता है, पहली बात स्पाईवेयर इज आल्सो नोन एज एडवेयर, एडवर्टाइजमेंट बेस्ड, ये बेसिकली टारगेट के थ्रू ही ये बेसिकली एंटर होते हैं। इट रेफर्स टू अ कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर दैट व्हेन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, ये उस कैटेगरी सॉफ्टवेयर के उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कि जब आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल एक बार हो गए, मे सेंड यू पॉपअप्स एड्स। आपके ब्राउजर में आते हैं ना पॉपअप्स, कई बार अपीयर होते हैं, अपने छोटे छोटे विंडो से खुल जाती है कई बार, कुछ एक वेबसाइट को खोलने के बाद, वो बेसिकली स्पाईवेयर होते हैं। एड्स होती हैं उसमें लिखी हुई, उसमें लिखा होता है कि यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड क्लिक करें, डाउनलोड पे क्लिक करें इस, या फिर आपके आपको रीडायरेक्ट करेगी किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट में, ठीक है। जैसे आपने google.com खोला, वो कुछ और ही वेबसाइट खोलेगा, इसका मतलब आपके वहाँ पे सिस्टम में स्पाईवेयर इंस्टॉल्ड है। होता है ना कई बार आपने देखा होगा विंडोज़ में ये काफ़ी प्रॉब्लम मैंने देखी, जब सिस्टम पुराना हो जाता है, नेट पे काफ़ी आप लगे रहते हैं, राइट। तो आपने खोला google.com, एंटर प्रेस किया, वो किसी और ही वेबसाइट पे आपको ले गया ऑटोमेटिकली। हाँ बोला कि यार मैंने तो गूगल खोला, ये तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप तो 1 करोड़ रुपये जीत गए, आप खुश हो जाएंगे, क्लिक करेंगे, वो कुछ एक डिटेल मांगेंगे आप भर देंगे, कुछ एक पैसे मांगे आप दे देंगे, भाई यार चल 1,000 रुपये दे दिया, क्या दिक्कत है, 1 लाख तो आ रहे हैं, बस वहीं आप फंस जाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोग बोर महसूस हो रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि हर रोज, खासकर इंडिया में, इवन हिमाचल में लोग फंस रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट टू, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल, कि आप एटलीस्ट एक अवेयरनेस फैलाएं अपने पेरेंट्स में, अपनी कम्युनिटी में, जहाँ भी आप रहते हैं गाँव में, कि ऐसा कुछ नहीं होता अभी, ठीक है। ओके आपकी वेबसाइट को वगैरह कभी ये मॉनिटर कर सकती है, ओके क्या क्या आपने विजिट किया। स्पाईवेयर मे ट्रैक एग्जैक्टली व्हाट कीज यू टाइप, ये तो और भी ज़्यादा डेंस हो गया। स्पाईवेयर क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं, आपने कौन कौन सी की टाइप की लॉगर, जैसे आपने यूजर नेम पासवर्ड लिखने की बारी आई तो वो आपके एक एक कीज को जो आप टाइप कर रहे हैं उसको स्टोर करके किसी को भेज रहा है, स्पाईवेयर कर सकता है, ठीक है। अटैकर्स मे आल्सो यूज स्पाईवेयर फॉर मलिशियस पर्पजेस, वो तो है ही। अच्छा, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग स्पाईवेयर मे कॉज यूर कंप्यूटर टू बिकम स्लो और स्लगिश, आपका कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा अगर स्पाईवेयर वहाँ डाला है, ये एक सिम्टम रहता है। प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ब्राउजर खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, स्लगिश सा स्लो सा वो आपको अपीयर होगा। नेक्स्ट, हाउ डू यू नो इफ देर इज ए स्पाईवेयर ऑन योर कंप्यूटर, आपको कैसे पता लगेगा, व्हाट आर द सिम्टम्स जिनको देख के आपको लगेगा कि यस मेरे कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है और ये स्पाईवेयर है। तो द फॉलोइंग सिम्टम्स मे इंडिकेट दैट स्पाईवेयर इज इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर, मे लिखा है यहाँ पे, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। फर्स्ट, इसकी डायरेक्टली जो रिलेशन रहेगा पॉपअप विंडो से रहेगा, ठीक है, यू आर सब्जेक्ट टू एंडलेस पॉपअप विंडोज, बहुत सारी एंडलेस विंडोज जो खुलती जाएंगी पॉपअप्स की, या यू आर डायरेक्टेड टू वेबसाइट्स अदर देन द वन यू टाइप्ड ऑन योर ब्राउजर, वही जो मैंने आपको अभी बताया, आपने लिखा google.com, खुल गया कुछ और। न्यू अनएक्सपेक्टेड टूल बार अपियर इन योर वेब ब्राउजर, आपके वेब ब्राउजर में नई टूल बार कहीं से आ जाती है जिसमें नए नए आइकन बने हैं, या न्यू अनएक्सपेक्टेड आइकन अपियर इन योर टास्क ट्रे एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन, आपकी बॉटम ऑफ स्क्रीन में जो टास्क बार रहती है, टास्क ट्रे रहती है, उसमें नए नए या अनएक्सपेक्टेड आइकन अपियर हो जाते हैं, और आपका जो ब्राउजर का जो होम पेज है वो सडनली चेंज हो जाता है। द सर्च इंजन योर ब्राउजर ओपन्स व्हेन यू क्लिक सर्च हैज बिन चेंज्ड, आपके जो डिफ़ॉल्ट जो सर्च इंजन है जो टॉप में रहता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने नया पेज खोला गूगल का, ओके इसमें नहीं दिखा रहा ना, आई थिंक वो मैंने रखा ही नहीं है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आती है ना कई बार ऊपर से लिखी हुई, वहीं पे आप टाइप करते हैं, या कोई और वेबसाइट खोल के देखता हूँ, जस्ट 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 1 मिनट।
वेबसाइट नहीं खुल रही हमारी। चलिए कोई बात नहीं, इसे देखिएगा, एक रहती है ऑप्शन, वहाँ पे टाइप कर सकते हैं आप बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपका जो डिफ़ॉल्ट जो सर्च इंजन रहता है वहाँ पे सर्च क्वेरी सेंड करता है, तो वो चेंज हो जाता है बेसिकली। ओके वी वर हेयर। सो सर्टन कीज़ फेल टू वर्क इन योर ब्राउज़र, कुछ एक कीज़ काम करना बंद कर देती है आपके ब्राउज़र पे, ये एक सिम्टम है। रैंडम विंडोज़ एरर मैसेजेस बिगिन टू अपीयर, बहुत सारे विंडोज़ के मैसेज वहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं, कि एरर 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 टॉन 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 करके आवाज़ आती है ना, कई बार आप ओके करते हैं फिर से आता, ओके करते हैं फिर से आता, स्पाइवेयर। योर कंप्यूटर सडनली सीम्स वेरी स्लो व्हेन ओपनिंग प्रोग्राम्स और प्रोसेसिंग टास्क एज टोल्ड अर्लियर, कि आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अचानक से स्लो हो जाता है जब भी आप किसी प्रोग्राम को खोलते हो या कुछ प्रोसेसिंग वगैरह होती है, जैसे सेव हो रही है फाइल, डाउनलोड हो रही है फाइल, 1 MB की फाइल है वो 1 दिन ले रहा है डाउनलोड होने में, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द सिम्टम्स बाय विच यू यू मे नो, आपको पता लग सकता है कि आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू प्रिवेंट स्पाईवेयर फ्रॉम इंस्टॉलिंग ऑन योर कंप्यूटर। अब आपने इतना तो समझ लिया कि स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है सॉर्ट ऑफ जो कि इंस्टॉल्ड होगा आपके कंप्यूटर में, तो कैसे हम बचें, कैसे हम अवॉइड करें, कैसे हम प्रिवेंट करें। नंबर वन, डोंट क्लिक ऑन लिंक्स विद इन पॉपअप विंडोज, पॉपअप विंडो आती है उसमें लिंक होते हैं तो उनको आप ना खोलें, क्लिक ना करें। चूज नो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, चूज नो व्हेन आस्क्ड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे होते हैं पॉपअप विंडो में, आ गए आप वहाँ पे लिखा होगा कि यस और नो में क्लिक करें, आप नो 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 करें, उसे इग्नोर करें, उसे हो सके तो क्रॉस बटन जो विंडो का रहता है उस पॉपअप विंडो का उस पर क्रॉस करके उसको बंद कर दें। बी वरी ऑफ फ्री डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर, जो फ्री में डाउनलोड हो सकते हैं सॉफ्टवेयर उनकी जो वेबसाइट है उनसे थोड़ा बच के रहें। डोंट फॉलो ई मेल लिंक्स क्लेमिंग टू ऑफर एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ई मेल में बहुत सारे लिंक्स आते हैं, कई बार सेंड किए होते हैं स्पैमर ने, या फिर हॉक्स में भी आते हैं कई बार, ठीक है, तो उनको आप फॉलो ना करें। एडजस्ट योर ब्राउजर प्रेफरेंस, हाँ ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, 5th नंबर पे, ये थोड़ा ऊपर लिखनी चाहिए थी मुझे। एडजस्ट योर ब्राउजर प्रेफरेंस टू लिमिट पॉपअप विंडोज एंड कुकीज, ये फायरफॉक्स में बाय डिफॉल्ट ऑप्शन रहती है, सारे पॉपअप आपके ब्लॉक्ड रहते हैं, वो नहीं खुलेंगे जब तक आप उनको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो फायरफॉक्स में बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक्ड ही रहते हैं, फायरफॉक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये इस वाली बात से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो रखी चीज़। हाउ डू यू रिमूव स्पाईवेयर, अगर इंस्टॉल्ड हो गया आपके सिस्टम तो कैसे आप रिमूव करोगे, ठीक है। रन अ फुल स्कैन ऑन योर कंप्यूटर विद योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को फुल स्कैनिंग करने के लिए छोड़ दीजिए आपके सिस्टम पे, फर्स्ट स्टेप। रन अ लेजिटिमेट प्रोडक्ट स्पेसिफिकली डिजाइन टू रिमूव स्पाईवेयर, कुछ एक सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होते हैं बेसिकली, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं स्पाईवेयर को रिमूव करने के लिए, जैसे विंडोज़ में आपने सुना होगा विंडोज़ डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर, ठीक है, इसका नाम याद रखिए, तो ये इसे आपको यूज़ करना है, ये बेसिकली आपके स्पाईवेयर से आपको प्रोटेक्शन दिलवाएगा। आपने विंडो इंस्टॉल की हुई है, ये भी इंस्टॉल हो जाता है और इसको आपको इनेबल करना है अगर ये डिसेबल हो रखा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर, ओके। थर्ड इज मेक श्योर दैट योर एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आर कंपैटिबल, यस, ये भी एक विंडोज़ में दिक्कत आती है, जैसे अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडो का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडो 10 आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो डिफेंडर ऑलरेडी है, वो इनेबल्ड है, और आपने ऊपर से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी डाल दिया, लेकिन वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसके कंपैटिबल नहीं है, ये बात कह रहा है ये। मेक श्योर दैट योर एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आर कंपैटिबल, आपस में कंपैटिबल है वो, मतलब एक दूसरे को वायरस नहीं कहेंगे, ठीक है, एक कहेगा नहीं ये वायरस है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये वायरस है, और तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये आपस में कंपैटिबल होने जरूरी हैं। ओके सो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड लेट मी स्टॉप हेयर एंड स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।